कि जो इक्का है वो भी स्क्वाड बॉस बनेंगे। तो भाई मेरे हिसाब से इक्का स्क्वाड बॉस नहीं बनेंगे, जो बंदा ऐसे बादशाह के बगल में बैठ गया उस शो के अंदर वो तो फिर स्क्वाड बॉस बनने वाला है नहीं। काफी लोग बोल रहे थे भाई MTV हसल 3.0 की बहुत सारी अपडेट्स आई हैं, और भाई मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कुछ अपडेट पता की जाए और आपको बताया जाए। तो जिस तरीके की अपडेट मिली है वहां मेरे को बहुत सारे डाउट्स लगे हैं जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले बताया जा रहा था कि भैया रफ्तार और बादशाह दोनों ही शो का हिस्सा होंगे और भाई आपके जो इक्का है वो भी स्क्वाड बॉस बनेंगे। तो भाई मेरे हिसाब से इक्का स्क्वाड बॉस नहीं बनेंगे, जो बंदा ऐसे बादशाह के बगल में बैठ गया उस शो के अंदर वो तो फिर स्क्वाड बॉस बनने वाला है नहीं। तो भाई ये अपडेट तो निकली उनकी झूठी। दूसरा ये था कि ग्रेविटी जो है भाई वो भी स्क्वाड बॉस बनेंगे, तो भाई वो वाली बात भी नकली निकली। और MC स्क्वायर के भी बहुत सारे चर्चे थे कि MC स्क्वायर हो सकते हैं नए स्क्वाड बॉस, क्योंकि भैया लोगों ने DMC को ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया। तो बस मेरा यही सवाल है कि अगर DMC नहीं होगी तो भाई उनकी जगह कोई ना कोई फीमेल रैपर ही होगी, मेल रैपर उसको रिप्लेस नहीं करेगा। भाई कोई तो फीमेल चाहिएगी ना, क्योंकि हिप हॉप वाले तो बोलते हैं कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट, हम तो चाहते हैं और हिप हॉप में लड़कियां आए, और ऐसा होगा अगर तो भैया ये अपनी बातों से मुकर जाएंगे। तो भैया मेरे हिसाब से MC स्क्वायर अगर किसी को रिप्लेस कर सकते हैं तो अपने EPR, किंग और डीनो में से एक होगा, और मेरे हिसाब से इन तीनों में से कोई भी रिप्लेस नहीं हो रहा सीजन में, क्योंकि भाई तीनों ने अपनी वैल्यू बनाई है। EPR फॉर नॉलेज, डीनो फॉर एंटरटेनमेंट, किंग फॉर एंटरटेनमेंट। बाकी ये हो सकता है कि क्या पता रफ्तार बादशाह एक साथ आ जाए, इक्का का भी कोई लेना देना नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है इन अपडेट्स के ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे जल्द, बाय बाय।